बैंक ऑफ बड़ौदा ने चंडीगढ़ पीजीआई को अनुदान की एक एम्बुलेंस। 7 जून दिन शुक्रवार को देश के जाने माने सरकारी बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा ने जनहित को विचार कर चंडीगढ़ पीजीआई को एक एम्बुलेंस अनुदान की है। इस मौके पर चंडीगढ़ पीजीआई के निदेशक डॉक्टर जगत राम और बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रतिनिधित्व निदेशक एसएल जैन मौजूद रहे। चलिए आपको दिखाते हैं इन्होंने अर्थ प्रकाश संवाददाता से क्या कहा। कई सारे सोशल वर्क करता है, जैसे हमारे 50 कॉलेजेस हैं जहां हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, किसी को टेलरिंग की ट्रेनिंग देते हैं, किसी को बिजनेस की ट्रेनिंग देते हैं, किसी को घर की बनाने की ट्रेनिंग देते हैं, फिर हम उनको क्रेडिट लिंकेज करके हम उनको गाड़ी वगैरह देते हैं जिससे हम लोग बिजनेस करवाते हैं। तो हमारा ये ध्येय है शुरू से ही लोगों को डेवलपमेंट करना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए हम करते रहते हैं। ये तो उनका काम। ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा और जो इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और दूसरे जो मेंबर स्टाफ मेंबर्स हैं, इन्होंने हमें मतलब अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक काफ़ी बड़ी वेन दी है जो कि पेशेंट केयर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। कई संस्थाएं हैं बट जैसे कि ये तो हर एक का अपना अपना महत्व है, पर इन बैंक ऑफ बड़ौदा ने खासकर इनका जो कंट्रीब्यूशन है काफ़ी सिग्निफिकेंट है और पेशेंट के लिए पेशेंट केयर के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। सर एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा, जो इसमें पेशेंट्स जाते हैं उनसे क्या कुछ चार्जेस लेंगे? नहीं, चार्जेस नहीं लिए जाएंगे क्योंकि ये तो फ्री सर्विस है। इन्होंने भी हमें दे है गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट, हम लोग भी पेशेंट केयर भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, कोई चार्जेस नहीं लिए। चार्जेस नहीं होगा। लेकिन ये जो वेन है पर्टिकुलरली जैसे कि इमरजेंसी से हमें कार्डिक सेंटर में पेशेंट्स को पहुंचाना हो या एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर या न्यू ओपीडी ब्लॉक या दूसरे ब्लॉक में पहुंचाना हो तो इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस। अर्थ प्रकाश के लिए चंडीगढ़ से मनदीप गौतम की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।